डियर स्टूडेंट, टेंथ क्लास, पाठ है लखनवी अंदाज और लेखक हैं यशपाल। अब मैं आपको लेखक का जीवन परिचय बताती हूँ। सुप्रसिद्ध कथाकार यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में हुई। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़े होने के कारण वे अनेकों बार जेल भी गए। इनका विवाह भी जेल में ही हुआ। वे प्रथम राष्ट्रीय सरकार की स्थापना होने पर 1937 में जेल से रिहा। जेल से छूटने के बाद उन्होंने सन 1938 में लखनऊ में विप्लव नामक पत्रिका का की स्थापना की। ये अपने प्रकाशक और क्रांतिकारी साहित्य का प्रकाशन करते हुए हमेशा जन जागरण करते रहे। इन्होंने आजीवन साहित्य सृजन में लगे रहे। सन 1976 में इनकी मृत्यु हो गई। उसमें बहुत सारी इन्होंने रचनाओं का निर्माण किया है, जो जैसे उपन्यास मनुष्य के रूप, देशद्रोही, दादा काम रहे, अमिता, दिव्या, पार्टी, कामरेड, मेरी तेरी, उसकी बात, 12 घंटे, झूठा सच जो कहानी संग्रह है, पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता, वो दुनिया, अभिशप्त जो निबंध संग्रह हैं इनके, देखा सोचा समझा, राम राज्य की कथा, चक्कर क्लब, न्याय का संघर्ष, बात बात में बात और जग का मुजरा जो आत्मकथा है, सिंह अवलोकन 3 भागों में किया है। इनका जो मैं अब आपको पाठ पढ़ाऊंगी उसका एक्सप्लेनेशन करूंगी। लखनवी अंदाज। यशपाल जी ने जो ये एक ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक यथार्थ उजागर करने की कोशिश की है, वे व्यक्तिवाद पर चोट करते हुए समाजवादी सिद्धांतों का पोषण करते हैं। उनकी कहानियों में जो यथार्थ जीवन का उत्कृष्ट रूप उद्घाटित होता है, उसमें यशपाल जी ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण से मनुष्य की मुक्ति के प्रश्न पर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। उन्होंने पूंजीपतियों, नेताओं, पाखंडियों पर करारा व्यंग किया है। ठीक है, अब यही इनके पाठ में आपको दिखाई देगा, लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज पाठ में एक ऐसे नवाब साहब का वर्णन किया गया है जो ट्रेन के सेकंड क्लास में यात्रा करते हुए अपनी रईसी का प्रदर्शन करने के लिए खीरे में नमक मिर्च लगाकर उसे खाते नहीं बलकर सूंघ कर नीचे ट्रेन से फेंक देते हैं। उन्हें देखकर लेखक को यह ज्ञान होता है कि जिस प्रकार केवल सूंघ कर हम खीरे के स्वाद का आनंद उठाया जा सकता है और काल्पनिक रूप में से तृप्त हुआ जा सकता है, उसी प्रकार बिना विचार घटना और पात्रों के नई कहानी भी लिखी जा सकती है। अर्थात वैसे तो बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु ऐसी कोई कहानी लिखी भी जाए तो एक स्वतंत्र रचना के रूप में ही उसे पढ़ा जा सकता है। मतलब लेखक उन्हीं के ऊपर बता रहा है जो निबंध लिखा है उन्होंने, जो लखनवी अंदाज में वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अब लेखक बताता है, लेखक को पैसेंजर ट्रेन से नज़दीक ही जाना था।
उसने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया ताकि भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोचे समझे और खिड़की से जो प्राकृतिक दृश्य दिखाई देता है वो भी आनंद उठाता रहे। नवाब साहब से मुलाकात, गाड़ी छूट रही थी अतः लेखक दौड़कर एक डिब्बे में चढ़ गया। उस समय एक बर्थ पर एक लखनवी नवाब पालथी मार कर बैठे हुए थे। उनके सामने तौलिए पर दो ताजे चिकने खीरे रखे हुए थे। लेखक को देखकर उनकी आंखों में एकांत में बाधा उत्पन्न होने का असंतोष उभर आया। मतलब जैसे ही लेखक अंदर एंट्री करी तो उसको देखते ही उनके कानों में जो लेख उसके जो नवाब साहब हैं उनके चेहरे पर एक असंतोष की साफ नज़र आया, अर्थात कि उनके आने से खुश नहीं थे, प्रसन्न नहीं थे। लेखक ने सोचा कि हो सकता है कि वे भी किसी कहानी के विषय में सोच रहे हों या चिंता कर रहे हों। उन्हें खीरे जैसा कोई साधारण चीज़ का शौक देख लिए जाने के कारण संकोच हो रहा था। मतलब क्योंकि उनके पास खीरे रखे हुए लेखक ने देखे, लेकिन उसे इस चीज़ का असमंजस था कि मैं नवाब हूँ और मेरे पास में खीरे रखे हैं, तो इससे लेखक को ये लगेगा कि ये कोई छोटा व्यक्ति है। लेखक का अनुमान शायद सही था। नवाब साहब ने लेखक के प्रति कोई उत्सुकता नहीं दिखाई तो आत्मसम्मान में और लेखक ने भी उनकी ओर दृष्टि हटा ली, अर्थात कि लेखक भी वहाँ से अपनी नज़रें हटा चुका था। लेखक ने भी उनकी ओर से दृष्टि हटा ली। लेखक यह अनुमान लगाने लगा कि संभव है नवाब साहब ने बचत के लिए सेकंड क्लास का टिकट ले लिया हो और अब शहर के किसी भद्र व्यक्ति द्वारा देख लिए जाने से उन्हें गवारा ना। अब नवाब साहब का भाव परिवर्तन, मतलब कि उनके चेहरे पर कुछ भाव भंगिमा जो उनकी परिवर्तित हुई, चेंज हुई। थोड़ी देर बाद नवाब साहब ने लेखक का अभिवादन करते हुए उससे खीरा खाने के लिए पूछा। लेखक को उनका ऐसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा कि वह शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए उसे भी साधारण लोगों के इस काम में अपना साथी बना लेना चाहते हैं, अतः उसने इनकार कर दिया। किसने? लेखक। अब जब उन्होंने खीरा अपना उठाया, खीरे को खाने की तैयारी कैसे कैसे की नवाब साहब ने, ये हम बताते हैं आपको। नवाब साहब ने दृढ़ निश्चय से तौलियों को झाड़ा, सामने बिछा लिया और दोनों खीरों को धो पोंछ कर उस पर रख दिया। उन्होंने चाकू से दोनों खीरों के सिरे काटे और फिर झाग निकाला और खीरे को बड़े सावधानी पूर्वक छिलकर फांकों को बड़े करीने से उन्होंने सजा दिया। करीने मतलब बहुत अच्छे ढंग से, ये कुछ शब्दों का उर्दू शब्दों का प्रयोग है इसमें, जैसे करीने हैं और बहुत सारे शब्द ऐसे। इसके बाद उन्होंने फांकों को पर जीरा मिश्रित नमक लाल मिर्च का चूर्ण छिड़क दिया। उनके हाव भाव और जबड़ों को फड़कने से लगा कि उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से भर गया है। नवाब साहब को कनखियों से देखते हुए, मतलब कि तिरछी नज़रों से देखते हुए लेखक ने सोचा, जनाब अपनी असलियत पर उतर आए हैं। इसके लिए नवाब साहब कि वे अब अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने लेखक से पुनः खीरा खाने का अनुरोध किया, परंतु अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए लेखक ने खीरा खाने से मना कर दिया। खीरे का रसास्वादन, अर्थात कि उसका किस तरह से उन्होंने रसास्वादन किया, रस का अनुभव, खाने में जो हमें मिठास रस जो संतुष्टि होती है उसके लिए कहा गया है। नवाब साहब ने
खीरे की ओर संतृष्ण आंखों से देखते हुए उसकी एक फाँक को उठाकर सूंघा। स्वाद के आनंद में पलके मूंद ली। उनका जो आंखें मूंद कर उसका रसा स्वादन किया तो जैसे कि उनके मुंह में पानी आ गया, अर्थात कि उस पानी को उन्होंने गले से नीचे उतारा और बाद में उन फाँकों को एक एक करके इसी तरह से खिड़की से नीचे फेंकते गए। इसके बाद उन्होंने जैसे ही खिड़की से नीचे फाँकों को फेंका, अब यह देखकर लेखक कुछ हैरान हो गया। काल्पनिक रसा स्वादन कर खिड़की से बाहर फेंकते गए जब, तो लेखक हैरान था। वो सोचने लगा, क्या ऐसा भी सच हो सकता है? सारी फाँकों को बाहर फेंक कर नवाब साहब ने तौलिए से हाथ पोंछे और हाथ पोंछ कर बड़े गर्व से अपनी गुलाबी आँखों से लेखक की ओर देख लिया, मानो कह रहे हों यह खानदानी रईसों का तरीका, अर्थात कि खानदानी लोग इस तरह से ही खाना खाते हैं। नवाब साहब खीरों की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। लेखक सोचने लगा कि यह खानदानी तहजीब नफासत और नजाकत है, ये मतलब कि रईसों के खाने का ढंग है। क्या क्या बताया उन्होंने? नफासत, नजाकत। नजाकत माने कोमलता, नफासत मतलब स्वच्छता, सफाई के साथ कि इतने बढ़िया तरीके से उन्होंने खाया। अब लेखक ध्यान करने लगा कि नवाब साहब इस तरीके से जो सुगंध और स्वाद से कल्पना की से ही संतुष्ट होने का जो बढ़िया अमूर्त तरीका हमें बता रहे हैं, परंतु क्या इससे उदर की तृप्ति हो सकती है? उदर मतलब पेट। क्या इससे पेट की तृप्ति हो सकती है? खाना जब हम इस तरह से यदि खाएंगे तो क्या हमारे पेट की संतुष्टि हो सकती है? नवाब साहब ने डकार ली और कहने लगे कि खीरा स्वादिष्ट तो होता है पर आसानी से पचता नहीं है। यह सुनते ही लेखक के ज्ञान चक्षु जैसे खुल गए, अर्थात कि हैरान रह गया कौन? लेखक। कि उसने सोचा कि जब खीरे की सुगंध और स्वाद से ही कल्पना से ही सिर्फ पेट भर जाता है और डकार भी आ सकती है, तो बिना विचार घटना और पात्रों के बिना लेखक कहानी का निर्माण क्यों नहीं कर सकता? थैंक यू बेटा।